नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपकी मेज़बान साबरीन कौसर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम कुछ लम्हे फ़ुर्सत के। नाज़रीन, इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत से मराहलों से होकर गुजरना पड़ता है। बाज़ दफ़ा तो होता यूँ है कि मुश्किलात इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और डिप्रेशन में हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या कुछ करना है अपनी लाइफ में, लेकिन उससे निकलने के लिए हमें हिम्मत और सब्र से काम लेना होता है। ऐसी एक मिसाल हमारे सामने है, आइए मुलाकात करते हैं नीतू जी से, जो कि स्पेशली एबल्ड बच्चों पर काम कर रही हैं और अब तक उन खिदमात को अंजाम दे रही हैं। तो आइए मिलते हैं नीतू जी से। बहुत बहुत इस्तकबाल है नीतू जी आपका हमारे प्रोग्राम में। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एंड मैं बहुत धन्यवाद अपने आप को समझती हूँ कि आपने मुझे इन्वाइट करा, थैंक यू सो मच। नीतू जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि स्पेशली एबल चाइल्ड पे आपको, मतलब ये आइडिया थॉट आपके पास आया कहाँ से कि आपको इसी पर काम करना है? मैं, मेरी लाइफ जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, मैं बहुत खुश थी शादीशुदा ज़िंदगी में विद टू किड्स एंड मेरी फैमिली, बड़ी फैमिली थी, ज्वाइंट फैमिली थी। बट देन उसके बाद एकदम से सडन मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अब डेथ के बाद आई हैड नो पर्पस फॉर माई लाइफ, बिकॉज मेरे बच्चे बड़े थे, 17 साल का बेटा था, 15 साल की बेटी थी, तो मेरे पास कोई पर्पस नहीं था लाइफ को कैसे डील करूं। सो एक मेरी फ्रेंड ने मेरे पास आया, उसने बोला कि तुम इस एरिया पे काम करो। इनिशियली मुझे ये एरिया बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैं कैसे काम करूं, बट धीरे धीरे फिर हमने इसका एक स्कूल खोला। जो मैंने स्कूल खोला वो एक बच्चे के साथ, बिल्कुल छोटे से सेटअप में हमने इसको स्टार्ट करा उसको धीरे धीरे। बट एक चीज़ हमने बहुत अच्छा पॉइंट करा था कि हमें एक बच्चों को थेरेपीज़ बहुत अच्छी देनी है। अगर थेरेपीज़ नहीं देंगे तो बच्चे कभी भी सक्सेस, उनका सक्सेस स्टोरीज हम नहीं लिख पाएंगे। हमने सारा इनिशियली हमने स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी सब रखा और इन बच्चों को बहुत अच्छी हमने जर्नी दी, बहुत अच्छी थेरेपीज दी। एंड आज भगवान की दया से हमारे पास 100 बच्चे हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं। एंड मेरी पूरी लाइफ जर्नी में आई थिंक कि मैंने 1500 बच्चे देख चुके हैं जिनको हमने कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हुई, जो बच्चे ठीक होके भी यहाँ से गए एंड कई बच्चे जैसे यहाँ पे हैं बट वो एटलीस्ट अपने लिए वो कुछ काम कर पा रहे हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन टोटली ऑन पेरेंट्स। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। आपने इन्हीं बच्चों पर काम करना क्यों शुरू किया, मतलब ये कैसा दिमाग में ऐसे कैसा थॉट आया कि मैं को स्पेशली एबल्ड चाइल्ड पर ही काम करना है? मैम, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि आप ये स्कूल खोलो स्पेशल बच्चों का। उस टाइम पे जब मैंने 2001 में इसको स्टार्ट करा तो हमें ऑटिज़म के बारे में जनरल पब्लिक को भी इसकी अवेयरनेस नहीं थी बिल्कुल। बट जब मैंने स्टार्ट करा, इवन इट टुक मी 3 months टू रिमेंबर दैट वर्ड ऑटिज़म। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने आप को एजुकेट करा। आई वेंट अब्रॉड टू सी द स्कूल्स ऑल्सो वहाँ पर कि कैसे वो लोग काम करते हैं। फिर यहाँ पर हमने सेमिनार्स अटेंड करे, ऑनलाइन सेमिनार्स भी अटेंड करके, एंड आज 21 साल की जर्नी में आई थिंक कि मैं हम लोग अकेले बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं। बच्चों को हम बहुत अच्छा काम दे रहे हैं एंड पेरेंट्स जो हैं हमारे बहुत खुश हैं एंड हमें भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यस, वी आर डूइंग समथिंग फॉर सोशल कॉज। वाकई आपकी जर्नी जो है बहुत मुश्किल भरी रही, बहुत कठिनाइयाँ आपने फेस करी, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँ, क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए इस दौरान? चैलेंजेस मैम, इस फील्ड में बहुत हमें आए हैं। कई बच्चे इतने हाइपर होते हैं कि उनको हैंडल करना हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। पेरेंट्स हैंडल नहीं कर पाते, वो हमें कहते हैं कि आप अपने पास रखो। उनको ये नहीं पता होता कि हमने कहाँ से कितना खाना है। हमारे पास एक बच्चा था जो कूड़े में से भी निकाल के अपना खाना खा लेता था। सो उस चैलेंज को हमने स्वीकार करा और हमारी सारे थेरेपिस्ट एंड सारा हमारा जो स्टाफ था, हमने सब ने मिल के उस बच्चे को उस जो प्रॉब्लम से निकाला। आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, ठीक इन द सेंस कि ऑटिज़म में तो अभी भी है, बट एटलीस्ट वो गंद में से खाना निकाल कर नहीं खाता। जो हम उसको देते हैं उसमें इतनी पेशेंस आ गया है कि उसको उठा के वो आराम से खाता है, उसी को लेता है। दूसरा बच्चे कई बार एक दूसरे को भी मार देते हैं, सुसु पॉटी सारा कपड़े में ही कर देते हैं, तो हमें ये ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि बच्चों को बोलना सिखाना है, उनको टॉयलेट ट्रेन करना है, विच इज़ रियली अ डिफ़िकल्ट टास्क बट वी एक्सेप्ट एज अ चैलेंज।
मैम आप मुझे ये बताइए कि आपको किस तरीके की डिसेबिलिटी के बच्चों के साथ काम करना पड़ता है। मैम हम लोग सारे तरह की जितनी भी डिसेबिलिटीज़ हैं हम उन बच्चों को केटर करते हैं। हमारे पास सेलिबर पालसी के, ऑटिज़म के, मेंटली रिटार्डेशन के, डिसलेक्सिया के, हर तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं। 3 साल की उम्र से लेकर हम लोग 25 साल तक के बच्चे हमारे पास हैं जिनको वी ट्राई टू गिव देम द बेस्ट थेरेपीज़। उनको हम लोगों का कोशिश होती है कि हम उनको बेस्ट से बेस्ट थेरेपीज़ दें, बेस्ट से बेस्ट लव उनको दें। ये हमारा ज़िंदगी का एक मोटो है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा मैम, किस तरीके के आपको एजुकेशन इन बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए जो अपनी ये लाइफ में ग्रो कर सकें और उनका ग्रोथ लेवल इन्हांस हो सके? मैम हमारा जो मेन मोटो क्या रहता है, हम जब बच्चा हमारे पास आता है एडमिशन लेने के लिए आता है तो हम उसका एक प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, फिर उनका मेंटल लेवल देखते हैं कि उस किस मेंटल लेवल पे बच्चा है, उसके उनको उसी क्लास में बिठाते हैं। अगर बच्चे को टॉयलेट ट्रेन भी नहीं है तो हम टॉयलेट ट्रेन से लेके ईटिंग हैबिट से लेके चूइंग पे लेके स्पीच ऑक्यूपेशनल उनके जो हाइपर एक्टिविटी है हर तरह से हम उनका काम करते हैं। उनको ADL काम भी सिखाते हैं, एक्टिविटीज़ डेली लिविंग, उसमें जैसे उनको कपड़े नहीं डालने आते हैं, कंघी नहीं बनानी आती है, खाना नहीं खाना आता, वो सब चीज़ों के हम यहाँ पे इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं सो दैट एटलीस्ट जब वो बड़े हों तो दे शुड बी ऑन देयर ओन, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। मैम जैसे किसी घर में डिसेबल्ड चाइल्ड है उसको किस तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए या फिर उसको क्या एजुकेशन देनी चाहिए कि उसका ग्रोथ लेवल जो है आप ऊपर तक लेके जा सकें और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें एटलीस्ट? मैं पहले जो था, आज से मैं 20-25 साल पहले की अगर बात करूँ तो तब पेरेंट्स में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। उनको लगता था हमारे बच्चे की स्पीच नहीं है तो स्पीच आ जाएगी, बच्चा अगर नहीं शरारती है तो कोई बात नहीं, अगर शरारत करता है हर बच्चे ठीक हो जाते हैं। बट अब जो सिनेरियो है बिल्कुल चेंज हो गया, अब 2-2 साल के बच्चे के पेरेंट्स को पता है कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है। सो हम लोग पेरेंट्स को हमेशा कहते हैं कि आप एक्सेप्ट करो कि बच्चे को थोड़ी सी है, ये ज़्यादा है, उसको असेसमेंट कराओ, उसको एक्सेप्ट करो एंड देन गो फॉर अ थेरेपिस्ट जो उसकी नीड है। अगर उसको स्पीच नहीं है तो स्पीच कराइए, हाइपर एक्टिविटी है तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराइए, अगर पढ़ाई में चाहिए तो उसको स्पेशल एजुकेशन कराओ। एटलीस्ट उनको स्कूलिंग के साथ साथ ये थेरेपीज़ की ज़रूरत होगी तो तभी उनकी ग्रोथ होगी, अदरवाइज उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती। मतलब ये बेसिक है उनका कि मतलब ये चीजें आपको उन बच्चे के साथ करनी ही करनी है ना। रोल्डी मीट मटन मसाले जो आपके हाथ का मटन खाए जुंजो की बोल आपका हो जाए जहां जाए रिश्ता बनाए गोल्डी मसाले। तो मेरा अगला सवाल ये है कि इनके बिहेवियर कभी कभार हमारे साथ बहुत रूड हो जाते हैं या फिर हम ही इरिटेट हो जाते हैं, एग्रेसिव भी बहुत हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे टैकल करें? मैम एक तो इन बच्चों को अगर हम डायरेक्ट नो कहेंगे तो दे कैन नॉट एक्सेप्ट नो। उनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाइवर्ट कर देते हैं, हम वो चीज़ नहीं करके हम कहते हैं चलो बच्चों हम ये करते हैं, दूसरी कोई एक्टिविटी में डाल देते हैं। देन इनके साथ एक रिवॉर्ड बहुत अच्छा काम करता है, जैसे ही वो अच्छा हमारी बात मानते हैं या हमारा कोई भी चीज़ सुनते हैं तो हम उनको 0.3 सेकेंड्स के अंदर रिवॉर्ड दे देते हैं, वो इनको बहुत मोटिवेट करते हैं इस तरह से इनको। और अगर उस पर भी नहीं बच्चा संभलता तो उसको जिस थेरेपी की नीड होती है हम वो थेरेपी से उसको करते हैं विद लव। अच्छा पॉजिटिव अगर वो हमें रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमें उनको रिवॉर्ड देना है, रिवॉर्ड देना। लेकिन अगर वो नेगेटिव हमारे साथ रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ एग्रेसिव बिहेवियर कर इस सिचुएशन में क्या करें? हम अगर ये नेगेटिव बिहेव करते हैं तो मैम हमें नो नहीं कहना, क्योंकि नो सुन के ये लोग और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। सो उसको हमने को डाइवर्शन देनी है, उसको डाइवर्शन देने के बाद हमें अगर उसके बाद भी बच्चा नहीं समझ पा रहा तो हमें उसको थेरेपी देनी है जो थेरेपी की उसको नीड है। बेसिकली इनके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट थेरेपी काम करती है या बिहेवियर थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी। नीतू जी आपके यहाँ पे क्या कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं कि जिनसे जिनके साथ पूरी टीम मिलके आप काम करते हैं? मैम हम लोगों को इनके साथ असेसमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट रखने पड़ते हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट के लिए बिहेवियर थेरेपिस्ट रखनी पड़ती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपिस्ट थेरेपी के लिए स्पीच थेरेपिस्ट एंड 6:1 का रेशियो लेते हैं हम स्कूल में, 6 grades एंड 1 teacher फॉर दीज किड्स, क्योंकि इससे ज़्यादा वो बच्चे इनको साथ टीचर टैकल नहीं कर पाते
एंड दे ऑल आर प्रोफेशनल RCI रजिस्टर्ड होते हैं, उसके बिना हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि इस प्रोफेशन में मैम हमें बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। एंड ये जब कोर्स करके आते हैं तो इन सब के पास अपना एक पैशन होता है और एक पेशेंस भी होती है कि अगर बच्चों ने सपोज कोई वोमिट कर दिया है या उनको शूज़ डालने हैं एंड सपोज उन्होंने कभी स्टूल पास कर दिया है, सो ये लोग बिल्कुल भी हेजिटेट फील नहीं करते हैं, दे डू इट, दे आस्क मी टू डू इट बट दे डू नॉट से कि हम नहीं करेंगे या घिना करते हैं, नो। मैम आपका ये पैशन इस तरफ कैसे बना? मैम जब मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने इसको स्टार्ट कराया, आई स्टार्टेड एज अ वात्सल्य स्पेशल स्कूल, तब मुझे समझ, इनिशियली मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि मैं किस तरफ जा रही हूँ, मेरे को ये क्या काम था, क्योंकि लाइक बिफोर माई मैरिज, बिफोर माई हस्बैंड्स डेथ मेरा जो जर्नी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, एक जो मैरिड वोमेन की होती है नॉर्मल होती है, घूमना फिरना बच्चों को देखना, बट एकदम से जब तुम्हारी लाइफ हस्बैंड की डेथ के बाद बिल्कुल 90 डिग्री टर्न हो गई, एंड लाइफ कई बार तुम्हें सरप्राइज भी करती है। सो उसके बाद जब हमने ये स्कूल खोला, 3-4 साल तक मुझे भी, बट आई वॉज डूइंग इट, पर मैं बहुत दिल से नहीं कर रही थी इसको भी, पर फिर भी हम लोग थेरेपीज दे रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बट 2009 में जब मेरे बच्चों की शादी हुई, उसके बाद फिर मुझे लगा कि अगेन बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो गए, बड़े बच्चे थे, एंड फिर मेरे को फिर अपना अकेलापन थोड़ा लगा एंड लाइफ के लिए कोई पर्पस नहीं लगा कि क्या सारा दिन खाली बैठ के तुम बैठते हो, तो देन आई जम्प्ड इनटू दिस थरली। अब हमारे पास स्कूल भी है और हमने सेंटर भी खोला है, हमारे पास 3-4 सक्सेस स्टोरीज भी हैं, जैसे एक पीहू शर्मा है वो अब हमारे स्कूल से चली गई है, 2 साल उसने थेरेपीज ली थी, जब वो आई थी ना वो बोलती थी ना वो सोशलाइजिंग करती थी, किसी से मिलती ही नहीं थी, अपनी दुनिया में ही थी वो, बट अब वो GD गोयनका रोहिणी में स्कूल में है, बिल्कुल ठीक हो के वो चली गई है। उसकी मदर ने हमें बहुत बड़ा एक लेटर भी लिख के दिया था कि आई एम सो हैप्पी, वो उन्होंने फेसबुक पे भी उसको पोस्ट करा कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है एंड नाउ शी इज़ ब्लेस्ड विद अनदर गर्ल। तो अभी भी टाइम टू टाइम मेरे से कई बार अगर उनको कोई सलाह लेनी होती है तो वो ले लेती हैं। और आपके इसको लेके और क्या एम्स हैं लाइफ में, कि आप कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं, कहाँ तक इन बच्चों को आप देखना चाहती हैं? मैम अगर मेरे से कब पूछो तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर पेरेंट्स को, जिन भी पेरेंट्स के पास अगर थोड़ी सा भी स्पेशली एबल्ड बच्चा है तो एटलीस्ट वो आए किसी भी सेंटर से जाके वो सलाह लें, वो करें, उसको थेरेपीज कराएं। एंड आज अर्ली एज में अगर हम लोग बच्चे को लेते हैं तो 100% उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, इफ़ आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल ऑटिज्म से बाहर निकल जाता है, मेंटल रिटार्डेशन में तो ये होता है, उसमें से हम लोग उसका मेंटल लेवल नहीं चेंज कर सकते हैं, बट उसको इस लायक बना देते हैं कि वो अपने पे पूरा काम करें। ये भी एक वैसे बहुत बड़ी सक्सेस है देखा जाए तो, पेरेंट्स के हेल्प करें, सो अपनी कोई स्किल डेवलपमेंट में आ जाए, वो भी हमने स्टार्ट करा। अभी हमने पीछे स्टार्ट करा था, हमने इन बच्चों से कैंडल्स बनवाई थी एंड बहुत अच्छी इन बच्चों ने कैंडल्स बनाई है, सो उसको मैं एज अ स्किल में इनके लिए लेके जाती हूँ, जाना चाहती हूँ वोकेशनल में, सो दैट दे इनको अपनी अर्निंग के लिए पेरेंट्स का मुँह नहीं देखना पड़े, तो पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, येस माय चाइल्ड इज़ डूइंग समथिंग एंड वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैम मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने अपने पैशन को किस तरीके से एक्शन में लेके आ रही हैं या किस तरीके से लेकर आई? अब ये मेरा एक बहुत बड़ा पैशन बन चुका है, मैं हर पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि इन बच्चों से मुझे ही थेरेपी मिलती है, लाइक मेरे को बिल्कुल एक लोनलीनेस, अकेलापन या डिप्रेशन 0% लगती है, मेरा लगता है कि मैं सुबह 9 बजे से 9 बजे तक इनके साथ काम करती रहूँ, उसको मैंने एक्शन में ले लिया, लाइक आए सारा मैंने स्टाफ जो है एजुकेटेड स्टाफ रख के, उनको हम लोग कहते हैं कि जितना बेस्ट से बेस्ट इनके साथ आप काम कर सको उतना काम दो, सो दैट इन बच्चों के पास कम टाइम होता है टू रिकवर, अगर बड़े हो जाते हैं तो हम उसको सिर्फ चैनलाइज कर सकते हैं, उसमें इनकी इम्प्रूवमेंट की बहुत कम चांसेस होते हैं। सो बचपन से हम लोग इनके साथ अपने, मैं अपने पेशेंट को एक्शन में इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि मेरे को इन लोगों को, टीचर्स को मैं कहती हूँ कि इनके साथ जितना अच्छे से अच्छा काम कर सको, सो दैट इसमें से ये निकलें और एक अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। मैम ये तो रही बच्चों की बात, अब आप इनके पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से?
मैम हम लोग कई पेरेंट्स को देखते हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं छोटेपन से भी, उनको लगता है नहीं किसी को नहीं बताना कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है। मैं हर पेरेंट्स को ये कहती हूँ, आप जितना इनके साथ काम करोगे, एक दूसरे से डिस्कस करोगे, उतना ही इन बच्चों के लिए बेनिफिट है। एंड आओ, ओपनली आओ, इनका जो भी इनकी इनके एक्शंस हैं, जो इनकी डिसेबिलिटीज़ हैं, उसको आप बाहर निकालो और उसको थेरेपीज़ लो, सो दैट कि ये बच्चे भी एक, इन्हें भी एक जीने का हक है, इन्हें भी एक पढ़ने का हक है, सो ये लोग भी एक अपनी नॉर्मल लाइफ लीड कर सके जैसे बाकी सारे बच्चे करते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इनके पास भी अपने पूरे पूरे हकूक हैं और जो उनके पेरेंट्स को उनके लिए लड़ना चाहिए। बिल्कुल। अब खवातीन का हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम है, तो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं हर लेडीज़ को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी जो मैंने अपनी लाइफ से इंस्पायर होकर सीखा है, कि कभी भी लाइफ में गिव अप मत करो, कोई भी चैलेंज आए उसको स्वीकार करो, और कोई भी डिप्रेशन, कोई आपको कोई भी सेंटिमेंट्स नहीं रोक सकते, अगर आप लोग काम करते हो उसको, चैलेंज को स्वीकार करो और आगे बढ़ते जाओ, तो ज़िंदगी बहुत सुहावनी हो जाएगी आप लोगों के लिए। नीतू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए और आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में बुलाने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, लोगों तक मैसेज पहुँचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको बालों और स्किन से रिलेटेड घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे। शगुफ्ता जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। शगुफ्ता जी, जैसे आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम उन लेडीज के लिए है जो घर पर इतनी बिजी रहती है, इतनी मशरूफ रहती है अपने कामों में, कि उनके लिए खुद के लिए वक्त नहीं निकल पाता है। तो मेरा आपसे इन्हीं चीजों को लेकर सबसे पहला सवाल ये है कि जो हमारे घर पर मदर्स होती हैं, वो दिन भर अपने काम में, भाग दौड़ में इतनी मतलब बिजी रहती हैं कि वो अपने, चलो स्किन के केयर का आपने बताया और बालों का आपने बताया, जो हाथ होते हैं, पैर होते हैं, उनको भूल ही जाती हैं। बिल्कुल, तो उसका अगर आपके पास कोई, फेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हाथ पैरों का ध्यान नहीं रखते जी। इसके लिए देखिए, जो आम चीज़ें हैं वो तो हैं जो घर में लोग इस्तेमाल करते हैं, एक ख़ास नुस्खा मैं बताती हूँ पेडीक्योर के लिए, जो हम लोग महंगी महंगी हाथ के लिए क्रीम्स लेते हैं, उसके लिए सरसों का तेल, उसमें खाने का मोम मिलता है मार्केट में, खाने का मोम लेंगे, उसमें बराबर मिकदार में उसको पहले गर्म करके उसको सरसों के तेल में मोम को पका लेंगे, उसमें हम थोड़े से नीम का ऑयल भी डाल सकते हैं, वो एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल हो जाता है जी, वो डालेंगे हम उसमें, उसको पका के हम एक क्रीम, और चाहें तो उसमें थोड़ा एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद इफ़ेक्टिव चीज़ है, और ज़्यादा उसको बेहतर करना है तो हम उसमें रोज़ वाटर थोड़ा सा डाल सकते हैं, इसको डाल के हम पका लेंगे, पकाने के बाद वो एक क्रीम की शक्ल हो जाएगी, वही हाथों पे और पैरों पे आप लगाएं, सोते वक्त रात को पैरों पे, हाथों पे, पूरी इस पर लगाएं आप। इसके अलावा एक लोशन मैं बताती हूँ, बहुत ही इफ़ेक्टिव है वो, ग्लिसरीन लें, जैसे 25 ml आपने ग्लिसरीन लिया, उसमें 15 ml के करीब लेमन डाल लें, और उसमें वो डालें थोड़ा सा गुलाब जल जी, और ये आप लगाएं इसके बाद, मुंह धोने के बाद, जैसे रात को हम सोते हैं और सुबह जैसे उठते मुंह धोए, तो एक 2-3 बूंद बस ऐसे हाथ पे डालना और लगा लेते हैं इस पे, हाथों और पैरों पे, इससे ज़्यादा बेहतरीन नुस्खा कोई भी नहीं हो सकता। मैं कभी अपनी स्किन पे कोई वैसे प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करती हूँ, यही सारी चीज़ें, ग्लिसरीन है, लीमू है, गुलाब है, बादाम का तेल है, और एक ऑयल बताती हूँ मैं, जो फेस स्किन पूरी ड्राइनेस और नरिश करने के लिए, स्मूथनेस के लिए, बॉडी के लिए 5-6 ऑयल्स हैं, उसमें जितना आप रिच करते रहेंगे उतना ही बेहतरीन होता रहेगा। जैसे 10 ml बादाम का तेल ले लिया, 10 ml ऑलिव ऑयल ले लेंगे, उसमें बेबी ऑयल 5 ml के करीब ले लेंगे, कोकोनट ऑयल 10 ml, और उसमें अगर हम डाल सकते हैं तो एक वो आता है चमेली का तेल, चमेली का तेल डाल लेंगे, और उसको और अच्छा करना है तो उसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान अगर आपके पास है तो ज़ाफ़रान में थोड़ी देर उसको गर्म करके उसको हल्की आंच पे पका लेते हैं, और इसको फिर शीशी में छान के रख लीजिए, छानने की भी ज़रूरत नहीं, ज़ाफ़रान कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत ही उम्दा ये, आप रात को सोने से पहले एज ए नाइट क्रीम आप यूज़ करेंगे, आपकी शाइनिंग, आपकी स्मूथनेस, आपकी नरिशमेंट, ग्लोइंग, इससे बेहतरीन कोई नुस्खा नहीं है आपके उसके लिए, और सब जितनी भी आप चाहे 50,000 की क्रीम ले आएंगे उससे बेहतर ही है।
आप इस्तेमाल करके देखिए। तो घर पर ही सारी चीजें हमें आपको एक लोशन बताया, ग्लिसरीन लीमू गुलाब, उसमें ज़ैफ़रान डाल लीजिए, उसमें भी बहुत अच्छा स्किन को ब्राइटनेस के लिए, स्किन को रंग साफ करने के लिए इस्तेमाल कराती हूँ मैं, लोग बहुत फ़ायदा होता है इससे। तो जैसे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है, तो क्या यही चीज़ें आप यूज़ करते हो या इसका भी कुछ और नुस्खा है या ऐसा सीक्रेट आप रख रही हैं? नहीं, सीक्रेट तो कुछ नहीं, कुछ तो बाई गॉड गिफ्ट होता है और कुछ ये होता है, थोड़ा सा मैं ये चीज़ों को इस्तेमाल करती हूँ। मैं कॉस्मेटिक कभी नहीं खरीदती, मुझसे लोग कहते हैं आप क्यों नहीं खरीदती, मैं कभी नहीं कॉस्मेटिक खरीदती। और लिपस्टिक वगैरह भी लगाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जी, यही सारा ऑयल अगर आप लगाएं ना, हाँ जी, लिपस्टिक तो आजकल एक ज़रूरी वो है खूबसूरती को एनहेंस करने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें होंठ पे, हाथ पैर पे और स्किन पे आप लगाइए, बहुत बहुत खूबसूरत आपकी खूबसूरती में इजाफा हो। तो ये देखा भी जाता है और कई लोग ये बोलते भी हैं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर हम इन सब चीज़ों का यूज़ बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्लो भी ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जो किसी को, देखिए कोई भी चीज़ किसी को भी सेंसिटिविटी होती है जी, लेकिन जैसे किसी को 100 में एक चीज़ से है, किसी को 1000 में एक चीज़ से है जी, तो वो सेंसिटिविटी अगर है तो आपको पता चल जाता है यूज़ करने से, तो आप उसको अवॉइड कर दीजिए। और बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह दूसरी बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए किसी किसी को एलोवेरा जेल चेहरे पे लगाने से कई बार इरिटेशन हो जाती है और किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, जैसे मुझे बहुत सूट करता है जी, मैं जब भी अगर कुछ होता है थकान ज़्यादा हो लगा के रिंकल्स हो रहे हैं, एलोवेरा मेरे घर में होता है, मैं लगा लेती हूँ उसका जेल, इंस्टेंट इलाज हो जाता है, इंस्टेंट इलाज हो जाता है जी। लेकिन मेरी एक दोस्त है वो अगर लगाती है तो उनको एलर्जी हो जाती है उससे, तो ये ज़रूरी नहीं कि किसी को किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जा सकती है, और कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि उसको वो चीज़ बहुत फ़ायदा करी है तो मुझे भी तो वो चीज़ भी। हर किसी का टेम्परामेंट, हर किसी का स्किन टाइप डिफरेंट होता है, तो हमें अपने एतबार से, अपने मिजाज के, अपने स्किन टाइप, इस सब को देखते हुए उसका इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने तासुरात हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर भेज सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त, फिर होगी मुलाकात अगले शुमारे में, तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल, खुदा हाफिज़। फूल वाला, केटिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई।